लहसुन डाल देंगे। लहसुन डाल देंगे। बता दे रहा हूँ एक्सपेरिमेंट है सर, ये आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। इजीली ये रोटी पे आ गया है पूरा, ये देखो इस तरह से पूरा देसी घी, मथानिया मिर्च वो कूट जाएगी ना सारी। देखो ये देखो धीरे धीरे ये भी गायब हो जाएगी थोड़ी देर। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा देसी घी है। ये देसी घी डाल रहे हैं सबसे पहले क्योंकि डीमोटिवेट हो चुके हैं तो पूरी तरह से। इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ सर, इसमें ना हल्दी है ना टमाटर है ना प्याज है। इससे पहले सर मैं दैनिक भास्कर में उसमें मैनेजर था उदयपुर। एक्चुअली क्या है, ये राजपूत है ना सर, राजपूत तो वैसे भी जॉब नहीं होती। अरे वेट कर रहे हैं, इनको बोला है मैंने आधा घंटा लगेगा, बट फिर भी वेट कर रहे हैं। ठाकुर साहब ने पोटी डाल दो, इसमें कोई कलर नहीं है। आप भी यहीं पे, मेरे फादर 1 किलो बनाते थे ना, उसमें बच जाता था, उसमें भी हम दोनों खा के जाते थे। इसके आगे आप स्वाद की कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये है टोंक रोड और आज मैं आया हूँ रियल राजपूताना, रियल राजपूताना टेस्ट। यहाँ पर आज हम आए और यहाँ पर आज हम खाएंगे एक मटन डिश। तो वो क्या मटन डिश होगी, आइए अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं। हाँ जी, तो नाम जी तेजेंद्र सिंह नाम है और रेस्टोरेंट का नाम है द रियल राजपूताना टेस्ट। अच्छा, तो कब से है ये रेस्टोरेंट? ये अपने 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, तो आप कब से बना रहे हो? मैं तो देखो 1 साल से बना रहा हूँ, पहले फादर बनाते थे मेरे। आपके फादर के हाथ का हम पहले खा भी चुके हैं, खा चुके ना, कीमा कलेजी खा चुके। चलिए, तो आज अपन क्या बना रहे हैं? आज अपन जंगली मांस बना रहे हैं। जंगली मांस जी, ओके। ये एक्चुअली ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, मतलब 1 साल से शौक बन गया तो ठीक है, अपन ने खुद का एक्सपेरिमेंट ही कर दिया। अच्छा, ये अपने देसी घी है, एकदम दानेदार घी है। हाँ, देसी घी, बहुत ज्यादा घी है। हम कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं? ये अपन बना रहे हैं 8 किलो। 8 किलो। तो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके लिए? ये अपने देसी घी हो गया, मथानिया मिर्च हो गई, मथानिया जी, ये अपने पहाड़ वाला जो नमक यूज करते हैं वो हो गया, ये अपने जीरा हो गया, लहसुन हो गया और ये मसाले की पोटली। इस मसाले की पोटली में क्या क्या है? बस इसी सीक्रेट है। अरे यार ऐसा मत करो। नहीं नहीं बिल्कुल, ये सीक्रेट है। चलिए ठीक है। अब देखो यार, एक्सपेरिमेंट किया है तो हर चीज़ नहीं बता सकते ना। तो ये एक्सपेरिमेंट सही जा रहा है? मतलब बहुत अच्छा जा रहा है। ये 1 किलो से स्टार्ट किया था मैंने, मतलब 7 डेज तो कस्टमर्स को सिर्फ टेस्टिंग करवाई थी मैंने, और उसके बाद में देख लीजिए आपके सामने जी। तो स्टार्ट करें? बिल्कुल। अब इसमें देसी घी जाएगा अशीष जी? ये देसी घी डाल रहे हैं सबसे पहले जी। अशीष, ये कितना देसी घी है? लगभग होगा 1.5 किलो। जंगली मांस बना रहे ना अपन जी। तो अपना बनाने का क्या स्टाइल है और क्या इंग्रेडिएंट्स अपन यूज कर रहे हैं? और जगह आप जाएंगे तो वहाँ पे सूखा मिलता है, कहीं पे बिल्कुल पतली ग्रेवी वाला मिलता है। ये अपना अलग ही है बिल्कुल। अच्छा। ये मतलब जंगली मांस तो इसका नाम रख दिया, वैसे तो है तो एक्सपेरिमेंट ही, तो बैठे बैठे बना लिया। जी तो देखो, जंगली मांस की जो प्रिपरेशन होती है बहुत ही सादे से मसाले होते हैं, मसाले सादे होती है, साबुत उससे बनता है जंगली मांस। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसी चीज जो जंगल में ले जाई जा सके। हाँ, मतलब घी हो गया, ये अपने मथानिया मिर्च हो गई और जो नमक वगैरह होता है पहाड़ों से ले लेते थे। अपन थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपन वो ज्यादा चीजें नहीं मिक्स कर रहे, जैसे ओल्ड लोग तो क्या है जंगली मांस के नाम पे कुछ भी बनाए थे, नहीं ऐसे नहीं, सब कुछ डाल दिया। जो चीजें हैं कम सामान है, कम के साथ ही बनाएंगे। ये थोड़ा देसी घी, बस थोड़ा गर्म हो जाए। तो ये घी गर्म हो गया ना, सबसे पहले क्या डाल रहे हैं? लहसुन डाल रहे हैं। लहसुन डाल दें, ब्राउन होने तक पकाएंगे। लहसुन के ब्राउन होने तक पकाएंगे। सर आप इतनी अच्छी ड्रेस पहन करके आ गए, इतना अच्छा जैकेट पहन रखा है, यहाँ से छींटे वीटे उड़ के नहीं आते? डेली गंदे होते हैं कपड़े तो क्या करें, पर वो क्या है, फीलिंग नहीं है, पति प्रॉपर शेप नहीं है ना अपन, अपन तो आधे शेप है। तो ये है 10 किलो मटन है, 10 किलो लहसुन ब्राउन हो चुके हैं और इसमें डाला गया। अगर आप पीस बड़े कटवाते हो ना? पीस बड़े कटवाते हैं। पीस का एक्चुअली क्या है कि देखिए, आप छोटे पीस करो कटवाओगे तो क्या, जो हड्डी के साथ में जो बोटी होती है ना वो अलग हो जाती है, तो कस्टमर के मुंह में प्रॉपर वे में आ नहीं पाता हूँ। भाई मजा भी तो आना चाहिए खाते टाइम कस्टमर को। सही बात। तो ये अपने आप में एक नया तरीका हो गया, क्योंकि इससे पहले तो जी जी मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि सबसे पहले लहसुन डलाओ साबुत और उसके बाद में मटन डलाओ। अभी तो साबुत डाला, उसके बाद में अपन जो बारीक चॉप किया हुआ लहसुन वो भी डालेंगे। अभी इसका ऊपर से ऊपर से और लहसुन डाल रहा है। कितनी देर भूनते हैं अपन इसको? जब तक ब्राउन होगा तब तक। घी के अंदर प्रॉपर जो घी के फ्लेवर थे ना वो मटन के पीसेस में आने चाहिए, तब तक इसको भुना जाएगा। लगभग कितनी देर? आधा घंटा तो मानो, कम से कम आधा घंटा। ये जो अपने सीक्रेट मसाले की पोटली थी ये इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था, इसमें कलर वगैरह नहीं डाला हुआ। लोग बाग बोलेंगे आपको, जब बन जाएगा मटन तो लोग बाग बोलेंगे कितना रेड कैसे हो गया, कलर डाला है। आपके सामने पोटी डाल रहा हूँ, इसमें कोई कलर नहीं है, आप भी यहीं पे हैं। मसाले क्या है सर? मसाले तो नहीं बता सकता मैं आपको, अगर कलर होगा तो सर कलर तो भी आ जाएगा बाहर।
इतनी देर भूनूंगा मैं आपके सामने तभी कलर आ जाएगा, कलर होते ही तो आ ही जाते ना। जीरा डाल रहे हैं अपन, जीरा, जीरा आप अब डाल रहे हो? हाँ, कच्चा जीरा डालता है। ये जो आप जिस प्रोपोर्शन में डाल रहे हो ना, ये अपने आप में यूनिक लग रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि इससे पहले मैं बताता हूँ ऐसा होता था कि पहले घी डालता है, फिर डालता है, फिर जीरा डालता है, फिर वो लहसुन डालती है। चलिए आज ये भी जायका खा करके देखेंगे। बता दे रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट है सर, ये आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारे पास ही मिलेगा। जंगली मांस मिल जाएगा आपको, पर ये वाला जो तरीका है ना, अब कस्टमर दूर दूर से आते हैं सर, जैसे भी बाहर से जो अपने एयरपोर्ट के पास में रेस्टोरेंट है, तो फ्लाइट वगैरह वीडियो वगैरह देख के क्या कस्टमर्स वगैरह आते हैं, तो फ्लाइट वगैरह जो यहाँ पे उतरती है तो कस्टमर कॉल आता है मेरे पास कि ठीक है सर हम यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ से एयरपोर्ट पास में, पास में कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर पर होगा। जब तक ब्राउन होगा तब तक बिल्कुल आ जाइए, ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा तब तक अपन इसको भूनेंगे। ये काफी देर से आप इसको, आपको घी की खुशबू आ रही होगी, अरे बहुत तगड़ी वाली। अब इसमें जो मथानिया मिर्च थी ये डाली जा रही है, मिर्च अब डाल रहे हो आप जी। पहले इसको आपने सोक करके रखा था ना? हाँ, इसको बॉईल किया था अपन। वैसे आप पानी में भिगो के भी रख सकते हो, जरूरत नहीं है। बॉईल तब करते हैं जब इंस्टेंट अपन को इसको सॉफ्ट करना होता है। अच्छा अच्छा जी। तो ये है मतलब बिल्कुल सादे से इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल है ना, सिंपल से 2-3 अपने इंग्रेडिएंट डाले। अभी बस पकेगा, बिल्कुल इसके साथ पकेगा, और ये जो मिर्ची है ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी इसमें, बिल्कुल एकदम कलर छोड़ेगी अपनी मिर्ची की। अब इसको कम से कम आधे घंटे तक और इसके साथ भुना जाएगा मिर्ची के साथ। अच्छा, मतलब 20 मिनट से पहले हम भून ही रहे थे इसको, अब 20 मिनट और। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, कुछ 2 बजे का टाइम हो रहा है और 2 बजे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई है यहाँ पे। आप देख सकते हो फैमिलीज़ भी आती हैं यहाँ पे, और बहुत ही मतलब सिंपल सा रेस्टोरेंट है लेकिन अच्छी खासी भीड़ लगती है, और मेरे ख्याल से टेस्ट अच्छा है शायद इसलिए। आज आप पहली बार आए हो क्या? नहीं सर, मतलब 2 साल हो गई। 2 साल से आ रहे हो आप? हाँ सर। तो क्या ऑर्डर रहता है आपका? सर मैं तो मटन नहीं खाता हूँ। अच्छा, ये एक्चुअली हमारे कस्टमर है 2 साल से। हाँ। ये मंगलवार छोड़ के डिले थे, मंगलवार को एक्चुअली मैं क्लोज रखता हूँ, वरना ये तो मंगलवार को भी आ जाए। अच्छा, ये तो मंगलवार को आप डेली खाते हो क्या? डेली 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 तो नहीं रहे आप डेली खाने वाले? अब सर लगते तो नहीं, खाता हूँ सर। तो आज भी मटन ही रहेगा आपका? हाँ सर। अब आधा घंटा वेट कराएंगे इनको, क्या करें? आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, खाना है तो करना पड़ेगा। पर मैं तो कहीं यहाँ के अलावा किसी जगह का जाता नहीं, मैंने हमेशा 24 दिन खुलता है शायद, और 24 दिन यही खाता हूँ। सॉरी यार भैया, वो लड़कों ने पहले इसको घुमा दिया, वो क्या एक्चुअली भीड़ हो रही है ना? नहीं नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूं, बार बार बुला रहे हैं तो क्या करें। तो ये मतलब पूरी डिसॉल्व हो गई है इसमें जो आपने मिर्ची डाली थी। हाँ जी भैया, थोड़ा सा पानी डाल रहा है पानी डालोगे ताकि क्या पानी इसको पकाने में हेल्प करता है, मटन जो है वो पानी के साथ ही पकेगा। अब जब तक मटन नहीं पकता तब तक यार मिर्ची मतलब डिसॉल्व होके ऐसी हो गई जैसे, तो हाँ नहीं वो कूट जाएगी ना सारी। देखो ये देखो, ये जो मिर्ची धीरे धीरे ये भी गायब हो जाएगी थोड़ी देर में। हाँ जो है पूरी इसमें जस्ट हो गई है, जस्ट हो गई, वो बहुत देर हो गई ना, कम से कम ये मान लो आधा घंटा हो गया, तो पूरी मिर्ची तो बची नहीं इसमें यार, काफी मतलब अच्छा रश हो गया। हाँ देखिए ना, अभी भी देख लीजिए आप, अभी कस्टमर वेट कर रहे हैं उधर भी, अभी वेट कर रहे हैं, इनको बोला है मैंने आधा घंटा लगेगा बट फिर भी वेट कर रहे हैं कस्टमर, अभी तो दोपहर का टाइम है। अच्छा, मेरा मतलब एक सवाल था कि आप शुरू से ये कर रहे हो कि इससे पहले कुछ और करते थे? इससे पहले सर मैं दैनिक भास्कर में न्यूज़पेपर जो है उसमें मैनेजर था, उदयपुर में मैनेजर था, उदयपुर बिल्कुल। तो वहाँ से रिजाइन दे के फिर अपन ने खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लिया, वो एक्चुअली फादर के हाथ में टेस्ट था। अच्छा। तो अपन मैंने तो कभी कुकिंग की नहीं, वहाँ पे भी जो उदयपुर में भी रहते थे तो भी टिफिन आता था मेरा, फादर ने सिखाया, थोड़ा अच्छा लगा। अब देख लीजिए, इतना अच्छा लगा कि खुद ने खुद का एक्सपेरिमेंट कर दिया, अब जॉब मुझसे होती नहीं। देखिए सच बताऊँ तो एक्चुअली क्या है कि राजपूत ठहरे ना सर, राजपूत तो वैसे भी जॉब नहीं होती, सुन नहीं सकते सर, बात हुआ है मैंने, इस चक्कर में खुद का ही खोल लिया, चलो खुद का ही सुनना है, अपन खुद ही खुद के हुए हैं। तो बस इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, बस बस। अब इसमें जो ये नमक है अपना पहाड़ो वाला, अपना पहाड़ी नमक है, हाँ ये डाले जा रहे हैं। तो ये नमक आप लास्ट में डाल रहे हो? हाँ यार, आपकी तो सारी चीज़ अनोखी है। अब टेस्ट आप बताना अनोखा है या नहीं, ये जरूर देखेंगे आज हम। कितनी देर से और पकाई हो रही है? देख लीजिए, आधा घंटा हो चुका है, अभी थोड़ा और 15-20 मिनट और, देखिए घी एकदम आधा और आधा, 1 घंटा हो चुका है, यानी पहले 1.5 घंटा मिला, 1.5 घंटा हो चुका है, तो धीमी आंच पे पकता है ना, घी देखिए एकदम ऊपर आ चुका है। ये देखो इसके अंदर जो ये गाढ़ापन आप देख रहे हो ना, ये मिर्च का है, है ना जी। इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ सर, इसमें ना हल्दी है, ना टमाटर है, ना प्याज है, कुछ भी नहीं है इसमें। अपन ने धनिया लहसुन की कलियां डाली थी और मिर्च डाली थी जी। बाकी भून रहे हो किस टाइम पे आप चीजें डाल रहे हो उसी का सारा खेल है। बहुत बढ़िया, अभी देखिए घी है ये प्रॉपर, पूरा देसी घी की प्रिपरेशन है। तो भैया आपने रेस्टोरेंट कब खोला था? ये भैया 2 साल पहले खोला था, जब कोरोना आया था ना, तो फर्स्ट वेव आई थी, और जैसे इसको स्टार्ट किया ना वैसे ही कोरोना आ गया। अब अच्छा। ये था कि
ठीक है नया रेस्टोरेंट है। उस टाइम तो अच्छे खासे चलते हुए रेस्टोरेंट तक बंद हुए थे। अच्छा। तो ओपन कर चुका था उसके बाद में फिर माउथ पब्लिसिटी चला। मतलब ये मान लो आप 15 से 20 किलोमीटर तक कभी अगर कोई ऑर्डर आ गया ना वो मैं खुद डिलीवरी करके आता था कि मुझे बस कस्टमर तक पहुंचाना है। तो धीरे धीरे क्या है कि उस टाइम कस्टमर थे ही नहीं। मतलब ये मान लो आप मेरे फादर हम 1 किलो बनाते थे ना उसमें बच जाता था, उसमें भी हम दोनों खा के जाते थे। जो पैम्पलेट छपाए थे ना वो मैं खुद बांटने जाता था, यूट्यूब बाईपास पे खड़े होकर मैं खुद बांटता था। मैं कस्टमर को भेजता था कि वहाँ पे जाओ पापा है आप टेस्ट करके आओ, तो कस्टमर को भी अच्छा लगता था कि ओनर खुद आया है खुद बात कर रहा है। मेरा वो लड़का था नहीं सैलरी कहाँ से दे, कोरोना था सैलरी खुद की नहीं आ रही कस्टमर अपन उनको कहाँ से दे। स्टार्टिंग में ये देख लो आप रोटी तक मैं खुद बनाता हूँ, बर्तन वगैरह सब उठाइए ऐसा कुछ नहीं है। पता कभी लाइफ में नहीं बनाई पर अपने रेस्टोरेंट की रोटी तक बनाई है। खुद करते ना जब अपने काम में खुद उतरा जाता है तभी बरकत आती है। और आज देखो आपने बोला कि आप 1 किलो बनाते थे उसमें से भी आप फादर और आप खाके जाते थे, आज कितना निकल रहा है चलो बताओ। सर आज मेरा 30 किलो मटन निकलता है, 30 किलो चिकन निकलता है, 10 किलो जंगली मांस निकलता है और 8 किलो कीमा कर लीजिए और 4-5 किलो काली मिर्ची का, बाकी एक करी अलग से। तो वही चीज़ है स्टार्टिंग में ये था स्ट्रगल का टाइम। बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था सर, अब क्या बताऊँ मैं आपको क्योंकि डीमोटिवेट हो चुके थे पूरी तरह से कि भाई क्या करें। और फिर बाकी जो था आप जैसे भाई लोगों के कारण थोड़ा सपोर्ट मिल गया। तो आशीष जी ये बन के रेडी हो चुका है अपना जंगली मांस रेडी जी। चलो बहुत बढ़िया, मतलब अब सिर्फ ऊपर घी आ गया, बाकी सारी भुनाई हो चुकी है इसकी बराबर है ना। चलो यार बहुत देर हो गई इंतजार कर रहा था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष और आज हम फिर एक बार आ गए हैं रियल राजपुताना पे और आज हमने लगवाया है जंगली मांस। तो आज हम जंगली मांस खाएंगे यहाँ पे। हमेशा की तरह देखो भैया ने जो है पत्तल और दोने में ही सर्व किया है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और अब देखो यार मैं रंगत दिखाता हूँ आपको, यार ये देखो, ये देख रहे हो कलर तो मतलब इसका ना लाल मांस जैसा बिल्कुल निखर के आया है जबकि ये है जंगली मांस। लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें किसी भी तरीके की कोई दूसरी मिर्च या मिर्च पाउडर नहीं डाला गया, इन्होंने साबुत लाल मिर्च जो मथानिया होती है जो अपने कलर के लिए मशहूर होती है, जोधपुर की मिर्च होती है ये। इससे क्या होता है कि कलर तो बहुत अच्छा आता है लेकिन इतनी तीखी नहीं होती है और हमेशा जंगली मांस और लाल मांस में इसका यूज़ किया जाता है। अब मैं इसको ले लेता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। और इसको खाने का जो तरीका है हमेशा की तरह जैसे मैं खाता हूँ रोटी पर डाल के, ये देखो पीस यार, ये देखो, और इस पे थोड़ा सा, और ये आप देख रहे हो ये जितना भी आप देख रहे हो ना ये रोगन और ये पूरी जो इसकी तरी है ये देसी घी है। इसमें पानी बस पकाने के लिए डाला जाता है और वो पकाई के वक्त पूरा वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ना ये पूरा देसी घी है। अब इस मसाले को थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। अब देखो एक पीस ये मैंने डाल दिया, एक और पीस इसमें से चाप का भी ले लेते हैं हम यहाँ पर, और इस पर भी मैं थोड़ा सा इनका जो ये तरी और रोगन है ये डाल देता हूँ। ये देखो यार ये पूरा मतलब देसी घी है। तो अब है ना पकाई देख लेते हैं कैसी है। तो ये चाप का पीस है, ये देखो मटन कितना इजीली अलग हो रहा है, ये देख रहे हो आप बिल्कुल, ये देखो कितना गर्म है। और मटन की एक खासियत होती है जब वो तुरंत बन करके आता है ना तो थोड़ा सा रेशेदार होता है, उसके बावजूद ये अच्छे से अलग हो रहा है। बाकी अब इसको एक बार रॉ खा के देखते हैं, ये देखो ये है एक निवाला। सीरियसली यार मतलब देखो फ्लेवर्स बहुत सिंपल हैं लेकिन जो डोमिनेंट करते हैं ना फ्लेवर्स जैसे गार्लिक हो गया, मिर्च हो गई और जो गोश्त का अपना एक स्वाद होता है वो तीनों चीज़ों का मिक्सअप बहुत ही शानदार है सीरियसली यार। अब हमेशा की तरह इसमें से बोटी को निकालते हैं, एक रोटी लेते हैं और इसको निचोड़ के खाते हैं बढ़िया। ये देखो ये है पकाई इसकी, इजीली ये रोटी पे आ गया है पूरा, ठीक है। ये तरी लेते हैं वन बाइट, देखो टेस्ट के मामले में मैंने हमेशा आपसे कहा है जयपुर का अपना एक अलग टेस्ट होता है, यहाँ का पानी, यहाँ का बनाने का स्टाइल, खासकर राजपुताना स्टाइल, राजपुताना मटन करी, चिकन करी और ये जंगली मांस हर कोई नहीं बनाता, हर कहीं मिलता भी नहीं है। बट जो इन्होंने यहाँ ये टेस्ट देने की कोशिश की है ना
बहुत मतलब इनकी कोशिश सही है, साकार है। और वो आप भीड़ यहाँ पे जितनी भीड़ है ना उससे अंदाजा भी लगा सकते हो कि हमेशा मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे हर टेबल मुझे भरी हुई मिलती है। तो इसका जो प्राइस होता है वो होता है 350 में 3 पीसेज आपको मिलते हैं ये बड़े जो मैंने मंगवाए हैं, और ये मेरे ख्याल से एक जने के लिए सफिशियंट होते हैं। और अगर आप ज़्यादा जने आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। इसमें 750 में 7 पीसेज आते हैं और 1400 में 14 पीसेज आते हैं, लगभग वो 1 किलो के आसपास हो जाता है जो 1400 का आप लेते हो। तो अकॉर्डिंगली जितने लोग आप आ रहे हैं उतने उस हिसाब से आप आ सकते हैं। और मेरी देखो हमेशा इससे आदत है चूर के खाने की, और मज़ा ना उसी में आता है। तो इसमें देखिए क्या कलर्स हैं आप देख सकते हो, जबकि इसमें कोई कलर नहीं डाला, जो भी कलर है ना ये मथानिया का कलर है। इसीलिए देखो यहाँ पता चल जाता है कि इन्होंने ओरिजिनल चीज़ यूज़ की भी है कि नहीं की है। अगर ये ओरिजिनल मथानिया यूज़ नहीं करते तो ये कलर आता ही नहीं। बाकी पूरी प्रिपरेशन आपने देखी है। वन मोर बाइट। मतलब ना ठंड, सर्दी का मौसम, गरम गरम जंगली मांस और ये टेस्ट, रियल राजपूताना। यार अगर राजस्थान आओ और कुछ भी खाओ ना, खासकर मटन और चिकन, या फिर हमारी राजस्थानी कोई वेज भी खा रहे हो, दाल बाटी वगैरह, तो किस तरह से खाई जाती है ये देखिए। इस तरह से लेके ये देखो, इस तरह से ये देख रहे हो, ये पूरा देसी घी मथानिया मेट। और देखो बाइट बाप ने, ये देखिए ये देखिए, ये मैंने इसको पूरा निचोड़ के जब मैं खा रहा था इसको, तो अब आप देखिए इसके ऊपर आपको एक तो लाल मिर्च दिखेगी, घी दिखेगा और रोटी दिखेगी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और थोड़े बहुत जो गार्लिक के हैं वो आपको दिखेंगे। ये देखिए ये पीस है और ये मिर्ची है, दैट्स इट। इट इज़ कॉल्ड लाल मांस। एक्चुअली ऑथेंटिक जो लाल मांस बनता था जिसमें गार्लिक होता था, देसी घी होता था और मिर्चियाँ होती थी, और वही इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको बनाया गया है। तो अगर मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आशीष जी कहाँ ऑथेंटिक जंगली मांस मिलेगा, कहाँ ऑथेंटिक लाल मांस मिलेगा, बहुत कम जगह हैं जो ऑथेंटिक स्टाइल से बनाते हैं। उनमें से एक ही जगह मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ अब, क्योंकि मेरे सामने सब कुछ प्रिपेयर हुआ है, तो आप एक बार यहाँ आ करके खा के देख सकते हैं, क्योंकि हर किसी के टेस्ट बड्स भी अलग अलग होते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, आप आके खाइए और मुझे कॉमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अंतेस के आगे, इसके आगे आप स्वाद की कल्पना नहीं कर सकते, बहुत ही शानदार। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जंगली मांस मेरी पहली प्रिपरेशन और मैंने पहली बार ये जंगली मांस को रिकॉर्ड किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत सही है। इसकी रेटिंग आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, और हाँ इसकी रेटिंग बिल्कुल यही होनी चाहिए। गूगल लोकेशन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिटेल वीडियो मैं 2 प्लेटफॉर्म्स पे डालता ही हूँ, एक है यूट्यूब और दूसरा है फेसबुक, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई सवाल अगर आपके मन में है तो वो मुझे आप कमेंट करके लिख सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, विच इज़ www.virtualbanjara.com। आप इस पे भी जाके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं किसी भी जगह के बारे में जो मैं कवर करता हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।